नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हमारा जो क्रेशर में ओवरसाइज कोल पासिंग होता है वो कैसे होता है और उसका वजह क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये देखिए, इसमें हमारा एक हेम्बर भी टूटा हुआ है। अभी हमारा भाई जो है टेम्प आयरन जूट एरिया साफ कर रहा था तो ये हेम्बर का टुकड़ा हम लोग को मिला है। अभी हम लोग देखिएगा, इसका जो टॉप कवर होता है उसके जितने भी नट बोल्ट लगे हुए हैं वो सब कभी हम लोग खोल रहे हैं ताकि टॉप कवर को उठाया जा सके और इसके अंदर को हम लोग जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएँ। उसी के लिए अभी हम लोगों ने देखिए, हमारा जो भाई है ऊपर का टॉप कवर का जो बोल्ट होता है उसको खोल रहा है। ये हमारा बैक साइड है, देखिए आप लोग को एक प्लेट जो है पेचिंग किया हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो मदर प्लेट होता है बैक प्लेट का वो डैमेज हो गया था तो इसीलिए हम लोगों ने ऊपर से प्लेट लगाया हुआ है। ये बैक प्लेट को भी अभी हम लोग अभी खोलेंगे। अभी देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग अभी टॉप कवर को इसका खोल रहे हैं। पहले टॉप कवर को पूरा खोल लेंगे, टॉप कवर खुल जाने के बाद ही हम लोग इसका अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएंगे कि हमारा क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा कन्वेयर में ओवर साइज का कोल जो है पास होके जा रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग का बैक प्लेट भी हम लोग को खोलना पड़ेगा और हम लोग को अंदर भी जाना पड़ सकता है। देखिए हमारा भाई जो है ऑपरेट कर रहा है लीवर से। अभी हमारा टॉप कवर जो है वो 100% खुल चुका है। अभी हम लोग अभी वहाँ पर इंस्पेक्शन करने जाने के लिए ग्रेटिंग वाला जाली जो है अभी हम लोग लगा रहे हैं। देखिएगा अच्छे से वाटर वॉशिंग किया जा रहा है ताकि जो भी चीज़ें हो हम लोग को अच्छे से पता चल सके। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोयला जाम रहता है तो कुछ कुछ चीज़ें जो है छुप जाती है और हम लोग को अच्छे से पता नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए अच्छे से वाटर वॉशिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ग्रीटिंग जाली लगाया हुआ है। एक्चुअली एक ये जो है प्लेटफार्म का काम करता है। देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे से बोल्ट से लॉक कर दिया है, दो जगह से राइट में और दो जगह से लेफ्ट में, ताकि अच्छे से इसमें खड़ा होकर हम लोग इसका इसमें काम कर सकें, जो भी चीज़ें हम लोग इसके इंस्पेक्शन कर सकें। देखिए अभी जो हम लोग बैक साइड को का जो प्लेट होता है उसको खोलने के लिए चैन ब्लॉक हमारा जो भाई है वो अभी लगा रहा है, क्योंकि काफ़ी भारी होता है, बगैर चैन ब्लॉक लगाए इसको आप नहीं खोल पाएंगे। इसके लिए देखिए हमारा जो भाई है सीढ़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। हम लोग को हमेशा जो है इस टाइप का जो सीढ़ी होता है उसको 75 डिग्री में रखना चाहिए दोस्तों। बड़ी ही सावधानी से सब काम को हम लोग को करना चाहिए। काम थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन जैसे हम लोग घर से आए रहते हैं ड्यूटी के लिए वैसे ही हम लोग को वापस जाना चाहिए। उसके लिए सावधानी हम लोग को अच्छे से अपनाना चाहिए, सेफ्टी का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए अभी हम लोग का बैक प्लेट जो है खुल गया है। बैक साइड से हमारा जो पीछे ब्रेकर प्लेट लगा रहता है उसमें हम लोग अच्छे से ही पानी मार रहे हैं ताकि अच्छे से वाश हो जाए, जो भी हमारा कोल स्टक हो कोने कोने में जो भी जमा हो वो सब साफ़ हो जाए, ताकि हम लोग अच्छे से देख पाएँ कि हमारा क्या क्या चीज़ें डैमेज हुआ है और कितने हमारे जो बोल्ट होते हैं वो सब जो है मिसिंग हुआ है। ये देखिए हम लोग का ब्रेकर प्लेट काफ़ी हद तक जो है डैमेज हो चुका है, आप लोग को पूरा दिख रहा होगा, होल हो गया है पूरा। अभी और आप लोग को मैं अच्छे से दिखाऊंगा।
ये देखिए, यही हमारा ब्रेकर प्लेट का डैमेज वाला एरिया है। इसी को ऐसे जो है हम लोग का जो ओवर साइज का कोल है वो पास होके कन्वेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से बंकर हमारा बार बार चोक होने का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके लिए हम लोगों ने इसके इंस्पेक्शन के लिए इसको कभी खोला हुआ है। अभी हम लोग अभी इसको रिप्लेस करने का प्लान करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसी के लिए भी हम लोग भाड़ा लगा रहे हैं। ये देखिए पूरा डैमेज कंडीशन है, ये लगभग लगभग 40% डैमेज हो चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल राड आता है जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुका है। इसमें हम लोग प्लेट का पिचिंग करते भी हैं तो ज़्यादा लंबा ये लास्टिंग नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको अभी नया रिप्लेस करेंगे, ये प्लान हम लोग अभी किए हैं। अभी देखिए हम लोग इसका जो बेस बोल्ट होता है, जिसमें हमारा जो ब्रेकर प्लेट है माउंट रहता है, उसको भी हम लोग खोल रहे हैं। जितना हो सकता है दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं बोल्ट खोलने के लिए, नहीं खुलेगा तो लास्ट में काटना पड़ता है। देखिए पूरा वियर हो चुका है, इसका हेड जो है पूरा घिस चुका है, बोल्ट का भी खोला है एक बोल्ट हमारे भाई ने। ये देखिए इसका ऊपर का जो पोजीशन है वो बिल्कुल जो है वियर नहीं हुआ है, जैसे हम लोग का नया में रहता है सेम टू सेम वैसी ही है। अभी हम लोगों ने अंदर में क्लीट लगाया हुआ है। यहाँ का देखिए, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि एक हैम्बर भी हमारा टूटा हुआ है बोल के, और यही के हैम्बर टूटा हुआ है। अभी देखिए जो आप लोग को दिख रहा होगा एंगल, इसी से हम लोग दोनों साइड को लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा रोटर ना घूमे, ताकि आसानी से हम लोग अपना काम कर पाएँ। आप लोग को ब्रेकर प्लेट रिप्लेसमेंट करने का वीडियो अगर देखना होगा तो आप लोग मेरे वीडियो में सर्च कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाया हुआ है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।